हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों को एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए, इस तरह का जो ये सवाल है, चूँकि ये लीनियर इक्वेशन में नहीं है, इसको पहले सबसे पहले लीनियर इक्वेशन में इसको चेंज करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, क्या करना है, पहले पुट करना है। क्या पुट करना है, लेट वन बाय अंडर रूट एक्स इक्वल टू ई और वन बाय अंडर रूट y इक्वल टू q। ये मान लिए, अब इसको पुट करेंगे हम लोग उसमें, तो क्या मिलेगा, मिलेगा 2p प्लस 3q इक्वल टू 2 और इसमें क्या मिलेगा, 4p माइनस 9q इक्वल टू माइनस 1। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इसको एलिमिनेशन मेथड से करना है, तो इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इसमें 1 से, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा, 4p प्लस 6q इक्वल टू 4, यहाँ पे 4p माइनस 9q इक्वल टू माइनस 1। क्या करना पड़ेगा घटाने पर, घटाने पर ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 15q इक्वल टू 5। तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/15 1/3 q इक्वल टू निकल गया 1/3। अब इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में इसको पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, देखिए इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, 2p प्लस 2p प्लस 3 q के जगह 1/3 इक्वल टू 2। अब देखिए इसको कर दिए तो ये एक कट गया, क्या 2p प्लस 1 इक्वल टू 2, तो 2p 2 माइनस 1, 2p इक्वल टू 1 ये आ गया, और p बराबर कितना आ जाएगा 1/2। अब जो है यहाँ वैल्यू इसका पुट कर देंगे हम लोग, अब इसका वैल्यू पुट करते हैं वहाँ पे, तो देखिए क्या आया हुआ है यहाँ पे, सबका आया हुआ है p इक्वल टू 1/2 और q इक्वल टू 1/3। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, q इक्वल टू 1/3 और q का वैल्यू क्या माने हैं, क्या पुट किए हैं, q इक्वल टू 1/√y इक्वल टू 1/3, तो अंडर रूट y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, y इक्वल टू 9 आ गया, y इक्वल टू 9 आ गया। इसी तरह q p
पी इज कल टू आया हुआ है 1/2, पी इज कल टू 1/2। पी का वैल्यू क्या रखे हुए हैं, पी का वैल्यू है 1/x, तो 1/x अंडर रूट इज कल टू 1/2, तो x इज कल टू कितना हो जाएगा, x इज कल टू हो जाएगा 4, तो y इज कल टू 9 और x इज कल टू 4, इस तरह से आया इसका। तो उम्मीद है समझ में आया होगा इस तरह से लीनियर इक्वेशन में नहीं था, इसको रिड्यूस किया लीनियर इक्वेशन में पुट करके इसके बाद इसको सॉल्व किए तो इस तरह से इसका वैल्यू आया x इजकल टू 4 और y इजकल टू 9। धन्यवाद दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।